प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत जब भी मुंह खोलते हैं बीजेपी के बड़े नेताओं की सांस फूल जाती है। फटी जींस पर विवाद थमा भी नहीं था कि अब रावत साहब कह रहे हैं कि अमेरिका ने हम पर 200 साल शासन किया था। नमस्कार, आप देख रहे प्रभात खबर और मैं हूँ आपके साथ रितु सुमन। जी हाँ, उत्तराखंड के नए नवेले मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जब से मुख्यमंत्री बने हैं कुछ न कुछ विवादित बयान दे ही देते हैं। इस बार उनके एक और विवादित बयान से वही की सियासत गरमाने लगी है। सीएम तीरथ ने रविवार को कहा कि लोगों को कोरोना काल में ज्यादा राशन पाना था तो उन्हें दो की जगह ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए थे। सीएम रावत ने नैनीताल जिले के रामनगर में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि कोरोना प्रभावितों को प्रति यूनिट 5 किलोग्राम राशन दिया गया और जिसके 20 बच्चे थे उनके पास 1 क्विंटल राशन आया, जबकि जिसके 2 बच्चे थे उसके पास 10 किलो आया। उन्होंने कहा, भैया इसमें दोष किसका है? उसने 20 पैदा किए तो उसे 1 क्विंटल मिला, अब इसमें जलन काहे का? जब समय था तब आपने 2 ही पैदा किए, 20 क्यों नहीं किए? गौरतलब है कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब रावत ने इस प्रकार का विवादास्पद बयान दिया है। इससे पहले बीते मंगलवार को एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री रावत ने कहा था कि संस्कारों के अभाव में युवा अजीबोगरीब फैशन करने लगे हैं और घुटनों पर फटी जींस पहनकर खुद को बड़े बाप का बेटा समझते हैं। उन्होंने कहा था कि ऐसे फैशन में लड़कियां भी पीछे नहीं है। इसके लिए सीएम रावत सोशल मीडिया पर बुरी तरह ट्रोल हो गए। आम लोगों से लेकर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने उनके इस बयान पर मुंह तोड़ जवाब दिया। हालांकि उन्होंने बाद में इसके लिए माफी भी मांगी और अपने कहने का मतलब समझाया। वहीं विवादित बयानों का सिलसिला जारी रखते हुए रावत ने रामनगर के कार्यक्रम में ही भारत को ब्रिटेन की जगह अमेरिका का गुलाम बता दिया और कहा कि कोविड-19 ने उसकी शक्ति को भी कर्म कर दिया। उन्होंने कहा, जहां हम 200 सालों तक अमेरिका के गुलाम थे, पूरे विश्व के अंदर उसका राज था। खैर, अब रावत साहब तो फटी जींस और घुटने देखने में व्यस्त हैं। शायद इतनी व्यस्तता के कारण वो इतिहास नहीं पढ़ सके हैं। अब इस बयान के बाद वे क्या सफाई देते हैं, ये देखने वाली बात होगी। आज के लिए इतना ही। इसी तरह की जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए प्रभात खबर के साथ। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।